को पता चला कि महिला छेड़छाड़ से परेशान आ गई थी। वह युवक से काफी ज्यादा आजिज हो गई थी और फिर उसने धारदार हथियार से सत्यनारायण दरोगा की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि महिला और मृतक के बीच पिछले 3 सालों से अच्छे संबंध थे, लेकिन महिला ने कुछ दिन पहले युवक से बातचीत करनी बंद कर दी थी और इसी वजह से युवक सत्यनारायण महिला से काफी ज्यादा गुस्सा रहने लगा था और इसीलिए उसने महिला को गांव के तालाब के पास मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन आखिर तालाब के पास दोनों के बीच छीना झपटी क्यों हुई, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि वहां पर युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिससे गुस्सा होकर महिला ने युवक की जान ले ली। युवक के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मांडर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी महिला की तलाश में जुट गई। उसकी पहचान मृतक की सत्यनारायण दरोगा के रूप में हुई। पश्चात मौके की कार्रवाई करने के पश्चात उसके भाई श्री राजू ने रिपोर्ट दी कि साहब हमें इसकी हत्या पे शंका है और हत्या की शंका है और ये हत्या गांव की रहने वाली भगवती पे आशंका जल रही है, उसकी तलाश की जा रही है। अभी मौके की कार्रवाई करने के पश्चात मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। भीलवाड़ा में युवक की हत्या में महिला के हाथ होने से हर कोई सन्न है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर युवक छेड़खानी करता तो फिर महिला ने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? आखिर 3 साल तक महिला किस बात का इंतजार करती रही? आखिर जब युवक उसके साथ छेड़खानी करता था तो फिर महिला उसके साथ मिलने के लिए तालाब पर क्यों गई? मौका ए वारदात पर मिले शराब के पाउच, मोबाइल और टूटी चूड़ियों का राज आखिर क्या है? तमाम मामलों का खुलासा पुलिस या तफ्तीश के बाद ही हो सकता है। दिलशाद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, भीलवाड़ा।